हेलो फ्रेंड्स, हम मैं डॉक्टर ट्राइकॉर और मेरे साथ है हिमांशु और मैं हूँ ध्रुवल। और फ्रेंड्स, आज हम ली मॉल से हमने मंगवाया हुआ फ़ोन ली टू लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, ली टीवी या फिर ली इको कंपनी का ली टू फ़ोन, वो उसकी अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू करेंगे। ये हमने फ्रेंड्स डायरेक्टली LeeMall.com से ऑर्डर करा है, जो इनके खुद की वेबसाइट है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इसमें क्या क्या मिलता है। वैसे हमने इसको फॉर 12,000 रुपीज़ परचेज़ किया है और इसके साथ हमें ऑफ़र था HDFC बैंक का 10% कैशबैक का, तो वो हमें कैशबैक मिलेगा जब भी 90 डेज में जब भी मिलेगा कैशबैक। चलिए खोलते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये है वो बॉक्स, ये पूरा कागज और इसमें कुछ नहीं था। डायरेक्टली बॉक्स नहीं है, मतलब फ़ोन का बॉक्स नहीं है, पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स है। चलिए इसको खोलते हैं, देखते हैं। इसमें काफ़ी भारी बॉक्स है, इसके ऊपर वेट लिखा होना चाहिए इसका, अराउंड 700 ग्राम, 700 ग्राम्स का है, मतलब 0.7 kg का है। तो काफ़ी भारी बॉक्स है देखा जाए तो। चलिए देखते हैं, इसको खोलते हैं। ये एयर पैकेज, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमें साथ में ईयर प्लग्स भी साथ में दिए गए हैं। और चलिए इसको साइड रखते हैं। और ये रहा हमारा फ़ोन ली टीवी, ली इको जैसे कि कंपनी का नाम है। तो ये बॉक्स खाली बस, और ये हमारी दो चीज़ें निकली हैं फ्रेंड्स। चलिए अब इसके अनबॉक्सिंग करेंगे। ली टीवी बाहर लिखा हुआ, जबकि कंपनी ने अपना नाम ली को कर दिया है इंडिया में, फिर भी ली टीवी लिखा हुआ है। चलिए बाहर देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। IMEI नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर आपका कुछ इनका कुछ ये बना हुआ है, समझ नहीं आ रहा है हमें क्या चीज़ है ये। और यहाँ पर लिखा हुआ है ली 2 32 GB, और यहाँ पर स्पेसिफिकेशन हैं। चलिए स्पेसिफिकेशन आपको बाद में बताता रहूँगा मैं जब इसको अनबॉक्स करूँगा साथ साथ। और स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नाम, यहाँ पर और चीज़ें, बस यहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेशन दी गई डॉल्बी एटमॉस, मतलब शायद इसके अंदर डॉल अच्छी आवाज़ आनी चाहिए फ़ोन से, तो लिखा तो हुआ। चलिए देखते हैं क्या है। तो बॉक्स तो सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छी पैकेजिंग लग रही है। चलिए खोलते हैं इसको। बॉक्स ऑल ब्लैक बॉक्स, बहुत ही सुंदर लग रहा है, मेरे को तो सुंदर लगा बॉक्स। वैसे हमें हमारे ख्याल से ये जो हमने कलर ऑर्डर किया था ये रोज़ गोल्ड था, लेकिन बॉक्स आपका ब्लैक है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मेंशन नहीं है कलर के बारे में। चलिए खोलते हैं फिर देखेंगे कलर क्या है हमारे पास। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। ली टीवी का ली टू, ये देखिए रोज गोल्ड कलर ही है, सुंदर मोबाइल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार वैल्यू लिखी हुई है, हेड की 0.971 और बॉडी की 0.142, तो अंडर लिमिट्स है वैसे तो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है इंडिया में 1.6 जो है लिमिट है, जबकि इसकी अंडर लिमिट्स है दोनों चीज़ें। और यहाँ पे IMEI नंबर और दिखाया गया यहाँ पे कि डबल सिम है, नैनो सिम, दो सिम डालेंगे, दोनों नैनो होंगे, दोनों 4G रहेंगे। और यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे की तरफ कैमरा और 60 MP कैमरा है, और विद फ्लैश एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है। और आपका ये हो गया आपका सेकेंडरी माइक्रोफोन, तो इसको उतार देते हैं हम यहाँ से। ये तो ये आपका ये उतर गया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। चलिए इसको आपको उतार के दिखाते हैं, इसका कवर उतार के दिखाते हैं। ये देखिए पीछे से फोन, ये कुछ इनका लोगो लगा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ है ये हमारे को, ये इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर फ़ोन था, प्लस हमारा कवर था, और हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर ये निकलेगा यहाँ से, ऐसे बुकलेट लग रही है। ये है सिम इजेक्टर टूल, सिम निकालने के लिए। और ये हमारी वाह छोटी, सबसे छोटी, मतलब इससे छोटी मैंने आज तक नहीं देखी,
गाइड, यूजर गाइड इससे छोटा नहीं देखा मैंने आज तक। तो ली टीवी ने या ली इको ने बड़ा ही सिंपल और हमारे लिए आसान कर दिया कि हमें ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, वैसे भी हम पढ़ते नहीं थे वैसे भी। चलिए इसको अंदर डाल देते हैं वापस। तो ये इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये हमारी थर्ड चीज़ निकली। और इसके अंदर यहाँ पर सामने आपके पास ये है इसका भारी भरकम मोबाइल चार्जर। तो ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो आउटपुट है वो 2.7 एम्पेयर्स की है। और अगर आपको मैं फोकस करके दिखा पाया, ये देखिए 2.7 एम्पेयर्स और 2 एम्पेयर्स की। तो फास्ट चार्जर तो ये है ही, थोड़ा और फास्ट चार्जर है अगर ये जब चार्ज करता है 2.7 एम्पेयर के साथ। अदरवाइज आजकल जो Xiaomi के अंदर MI के अंदर हम देखते हैं वो 2 एम्पेयर का चार्जर मिलता है हमें, तो ये 2.7 एम्पेयर्स का है। तो ये इसकी खासियत है ये, क्योंकि ली टीवी का अपना ही सुपर चार्जर है। और ये है इसकी USB केबल। USB केबल तो है लेकिन ये USB-C टाइप है, तो ये सिंपल USB केबल नहीं है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ठीक लंबी, अच्छी लंबी है। और ये देखिए USB-C टाइप, सिंपल माइक्रो USB केबल नहीं है, USB-C टाइप केबल है। और हमें बॉक्स के अंदर क्या मिलता है, कुछ मिलता है इसके अंदर बॉक्स के अंदर, ये देखिए ये छोटी सी कुछ टैग ऐसा चीज़ नीचे, क्या चीज़ है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो है ये आपका USB-C से लेकर 3.5 mm जैक, क्या चीज़ है, क्यों है ये फ्रेंड, इसके अंदर क्या दिक्कत है एक फ़ोन के अंदर? इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, एक नई टेक्नोलॉजी है USB-C, इसके अंदर CDLA टेक्नोलॉजी है, CDLA कॉन्टीन्यूस डिजिटल लॉसलेस ऑडियो, उसकी वजह से इसके अंदर हमें 3.5 mm का जैक नहीं दिया हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए अगर आपको अपना ईयरफोन लगाना है तो आपको पहले इसके अंदर ये लगाना पड़ेगा आपका USB-C यहाँ पर, और आप इसके अंदर अपना 3.5 mm का जैक लेके रख सकते हैं। ये किसी काबिलियत भी है फ़ोन की, लेकिन साथ साथ इसके एक नुकसान भी है कि आपको हमेशा ये रखना पड़ेगा अगर आपको अपना फ़ोन हेडफोन यूज़ करना है। अदरवाइज़ कंपनी आपको इसके साथ फ्री देती है अभी के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर में USB-C टाइप, देख सकते हैं यहाँ पर USB-C है ना कि 3.5 mm का जैक। तो या तो आप अपना USB-C वाला यूज़ करिए या फिर ये रखिए और अपना रेगुलर जो आप पहले ईयरफोन यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं 3.5 mm जैक वाला, वो यूज़ करिए। तो फ्रेंड ये तो ये सब कुछ था बॉक्स के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 चीज़ें थी बॉक्स के अंदर। और ये बॉक्स हमारा खाली हो चुका है, बाकी बॉक्स काफ़ी सुंदर है देखने में, अब इसको हम बाद में बंद करते हैं। चलिए आपको फ़ोन अब ऑन करके दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स अब अनबॉक्सिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, चलिए ओवरव्यू शुरू करते हैं। तो फ़ोन को हम ऑन फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर चार्ज होगा, होप सो। बाहर ही लिखा हुआ है ली इको, जबकि कंपनी ने अपना नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ली टीवी। तो कंपनी का नया नाम वैसे तो ली इको ही है, यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ नॉट जस्ट अ फ़ोन बट एन इंटीग्रेटेड इंटरनेट इको सिस्टम। ये हमने पिछले भी बात करी थी, हमने Li 1S की अनबॉक्सिंग करी थी, Li 1S की अनबॉक्सिंग करी थी, तब भी ये लिखा हुआ था स्टार्टिंग में। चलिए स्टार्टिंग में आपको सामने से दिखाते हैं, 5.5 inches की फुल HD स्क्रीन है, और यहाँ पर हमारा 8 megapixel का कैमरा है, 2.2 अपर्चर, और मतलब सिंपल आपके लिए 8 megapixel का कैमरा है। यहाँ पे आपके फ़ोन सुनने के लिए ये आपका सेंसर्स, नीचे की तरफ 1, 2, 3 बटन दिए गए हैं, बैकलिट हैं अभी चलेगा तो दिखेगा, साइड की तरफ राइट इन साइड में फ़ोन के पावर अपना वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन, ठीक है और कुछ नहीं है। यहाँ पर सिम कार्ड का, तो आपको मैंने बताया था ना कि इसके अंदर USB अपना 3.5 mm का जैक नहीं है, तो देखिए आप नीचे देख सकते हैं जैक नहीं है। ये जो है स्पीकर है ये USB-C चार्जिंग के लिए और ऑडियो के लिए, और ये शो ऑफ के लिए। और ऊपर की तरफ कुछ नहीं, सिर्फ एक IR ब्लास्टर जिसको हम बोलते हैं इन्फ्रारेड ब्लास्टर, ये आपको अपने TV को AC को कंट्रोल करने के लिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे अब सेटअप करते हैं आपके सामने। तो ये है हमारा UK, इंग्लिश UK, यूनाइटेड किंगडम कंटिन्यू, कंट्री इंडिया कंटिन्यू, फ़ोन को ही पता है कि इंडिया में आया है, और हमने अभी सिम नहीं डाला तो स्किप करेंगे इसको। तो हम अपने वाईफाई से कनेक्ट करके आते हैं फ्रेंड्स, अब हम अपने वाईफाई से कनेक्टेड हैं, चलिए कंटिन्यू। अभी हमें कहेगा अपना जीमेल अकाउंट डालने के लिए,
मतलब फ़ोन काफ़ी स्लीक लग रहा है वैसे तो, मेरे को मतलब मज़ा आ रहा है हाथ में पकड़ने पे, ठीक लग रहा है। चलिए हम अपना जीमेल अकाउंट डाल के वापस आते हैं। तो हमने अपना जीमेल अकाउंट डाल दिया, अभी लॉगिन हो रहा है। और बाय द टाइम आपको मैं इसकी थोड़ी सी खूबसूरती दिखाता हूँ फ़ोन की, काफ़ी पतला है, देखिए बहुत पतला फ़ोन है। और एजिस को ऐसे सिंपल एजिस रखे गए हैं, इनको शैम्फर्ड कर दिया गया है। और जिसकी बैटरी है वो 3000 mAh की है, छोटी बैटरी तो नहीं है ऑब्वियस, लेकिन बड़ी भी नहीं है, तो नॉर्मल बैटरी है। लेकिन जो चार्जर है, क्योंकि वो सुपर चार्जर है, तो उसकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस 3000 बैटरी के साथ भी। तो स्किप कर देते हैं हम इसको अभी के लिए, तो एग्रीमेंट हम पढ़ने की कोशिश नहीं करने वाले हैं, तो कंटिन्यू करने वाले हम। तो फ्रेंड्स ये हमारा, हमें लगता है कि होने वाला नहीं। अभी ये हमें कहेगा कि अपने ली को सर्विसेज, आप जैसे कि जानते हैं ली को ना अब नई चीज़ें दे रहा है। ये देखिए अपना, एक तो आपको दे रहा है फ्री वीडियो, ठीक है, एक साथ में दे रहा है आपको काफ़ी सारे वो चैनल्स, मतलब टीवी चैनल्स और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं इसकी। तो ये सब यूज़ करने के लिए आपको ली को अकाउंट बनाना पड़ेगा, या तो आप रजिस्टर कर सकते हैं या फिर लॉगिन कर सकते हैं। हम बाद में उस चीज़ को करेंगे, स्किप कर देते हैं इसको अभी के लिए। एनेबल यूज़र एक्सपीरियंस फीडबैक, ये हम हटा देते हैं क्योंकि बीच में बैकग्राउंड में, नहीं तो फिर ये वो खाता रहता है। ये कह रहा है ऐड फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट दिखा डाल के दिखा देते हैं। ये कह रहा है कि स्टार्ट टू ऐड, हम इसको स्किप कर देते हैं अभी के लिए। चलिए नॉर्मल अपना काफ़ी बड़ा सेटअप रहा अभी तक, मतलब स्टैंडर्ड करंट, तो मुझे लगता है ये हो गया है। फिनिश लिखा गया है, ब्रेकिंग बाउंड्रीज विद इकोसिस्टम सिनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं, फ़ोन भी कह रहा है चलिए शुरू करते हैं। तो ये है फ्रेंड्स फर्स्ट लुक ली इको, ली टीवी की ली टू का फर्स्ट लुक, इंडियन वर्जन का रिटेल यूनिट। ये रिव्यू यूनिट नहीं मिला हमें, रिटेल यूनिट है। तो ये है फ्रेंड्स फर्स्ट लुक। चलिए सबसे पहले जैसे कि हम सेटिंग में जाते हैं हर बारी, सेटिंग्स चलते हैं और देखते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें सबसे पहले क्या मिल रहा है। एंड्रॉयड 6.0, मतलब बेस्ट एंड्रॉयड मिल रहा है अभी तक का जो अवेलेबल है। मार्शमेलो एंड्रॉयड मिल रहा है फ्रेंड्स, बेस्ट एंड्रॉयड अवेलेबल, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा EUI जो है 5.6 है, जबकि कंपनी ने 5.8 लॉन्च कर दिया है। CPU 820 दिखा रहा है, ये बग है इसके अंदर। वैसे इसके अंदर CPU 652 स्नैपड्रैगन है। और देखते हैं, चलिए अब हम देखते हैं इसका स्टोरेज। स्टोरेज 32 GB है हम जानते हैं, लेकिन कितनी मिल रही है हमें यूज्ड है इसके अंदर, देख सकते हैं 5.8 में 6 GB यूज़ कर रखी है। और अवेलेबल है 23.24 हमें अवेलेबल होती है, ठीक है जी। अच्छा और अच्छा इसमें एक चीज़ दिक्कत वाली फ़ोन के अंदर ये भी है, दिक्कत नहीं है मतलब फीचर ही है, चलो जो भी मतलब फीचर तो नहीं दिक्कत, कि इसके अंदर SD कार्ड नहीं डलता फ्रेंड्स। तो ड्यूअल सिम फ़ोन है, लेकिन जैसे आजकल Xiaomi क्या कर रहा है, एक डबल सिम फ़ोन देता है, लेकिन उसमें एक के अंदर आप SD कार्ड भी डाल सकते हैं MI जो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए और देखते हैं और क्या हम आपको दिखाएं। चलिए फटाफट कैमरा दिखाते हैं आपको। और ये हमारा कैमरा यहाँ पर, ये सबसे नीचे कैमरा देख सकते हैं आप। तो ये है कैमरा और ये हमारा ली टू के जो आपके अभी हम मिले हैं। तो फटाफट जूम करा इसने, मतलब फटाफट वो करा, क्लिक भी फटाफट हुआ। तो चलो देखते हैं कुछ फ़ोटो, दो फोटो हमने लिए हैं। कैमरा तो फोटोज़ क्लिक करी हैं कैमरे से, चलिए आपको दिखाते हैं फ़ोटोज़। ये हमारी सेल्फीज़ हैं, सेल्फ़ी अच्छी आई हैं फ्रेंड्स इसके अंदर, देखने वाली बात है सेल्फ़ी काफ़ी अच्छी आई है, मेरे को सेल्फ़ी काफ़ी अच्छी लगी। ये है हमारी फ़ोटो, ये बॉक्स ली टीवी का, जूम तो अच्छा हुआ, डिटेलिंग अभी के लिए ठीक लग रही है। ये फ़ोन हमारा सैमसंग का सबसे पुराना फ़ोन, मेरा सबसे पहला स्मार्टफोन सैमसंग का था, ये सैमसंग गैलेक्सी S1 चल रहा है अभी तक ये भी, ठीक है। तो चलिए ठीक लग रहा है, चलिए मतलब ठीक है फर्स्ट लुक मज़ा ठीक है। चलो मतलब फिर देखेंगे इसको इन डेप्थ में, आपको बताएंगे फिर उसके इन डेप्थ रिव्यू हम करेंगे, उसका लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।
आपको कोई आपको क्वेरी हो इसके बारे में तो आप ना कमेंट के अंदर जरूर पूछना, हम आपको फिर इन डेप्थ के अंदर आपको बताएंगे उसके बारे में फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मेल्स आ गई हैं हमारी, सब कुछ देखें अपडेट कोई आया हुआ है इसका क्या। वैसे अपडेट तो आना चाहिए क्योंकि कंपनी ने कहा था कि इसको हमने अपडेट कर दिया है यूआई के अंदर। तो चलिए देखते हैं फटाफट अपडेट का कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, हमें अपडेट का ऑप्शन मिले कहीं पर। फ़ोन में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जब से मैंने ऑन किया गर्म हो गया फ़ोन फ्रेंड्स। तो पता नहीं क्या फ़ोन गर्म हो गया है या ये दिक्कत अभी भी इसके अंदर है गर्म वाली। गर्म तो देखो हो गया, सिस्टम अपडेट चेक करते हैं। ये देखिए आप, मैंने आपको जैसे बताया था कंपनी ने कहा था, ये मैं ब्राइटनेस थोड़ी कम करता हूँ, कंपनी ने कहा था 5.8 हमने लॉन्च कर दिया, देख सकते हैं 5.8 का ऑप्शन आ गया। तो शायद गर्मी जो है वो गर्म जो है वो उससे हट जाएगा। तो हम डाउनलोड शुरू कर देते हैं, फिर हम जब डाउनलोड कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे तब भी आपको एक बार इसका दिखाएंगे कि भाई कैसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये था इसका क्विक, वेरी क्विक अनबॉक्सिंग एंड ओवरव्यू। डिटेल में हम आपको बाद में इसका पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे आफ्टर अपडेटिंग इट टू UI 5.8। तो चलिए फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर हम इसके अनबॉक्सिंग भी डालने वाले हैं, इसका भी ओवरव्यू डालने वाले हैं, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।